खुदावंद हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से विनती करते हैं, आपके वचन को पेश कर हमें मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, भावनात्मक रीति से और हर एक रीति से आप चंगा करें। आपकी वचन की सामर्थ हमारे जीवनों में बहे और हमारे जीवनों में आज बड़ा परिवर्तन लाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्यारो, आज जो बात हम सीखना चाहते हैं वो है दुख और तकलीफ में विजय पाने के लिए क्या करें। बोलिए मेरे पीछे पीछे, दुख और तकलीफ में विजय पाने के लिए क्या करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारों कि मैं और आप जानो। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं और मेरा परिवार बहुत बड़ी एक घटना से होकर गुजर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, 3 दिन पहले हमारी 9 महीने की बेटी परमेश्वर ने उनकी योजना में उसे अपने पास बुला ली और आज वो हमारे बीच में नहीं है और बड़ा गहरा जख्म है और था, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया है, अनुग्रह कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं इसमें विजय को कैसे पाना है और वही बात हम आपको सिखा रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया से। अगर प्रभु अनुग्रह ना दे तो मैं यहाँ एक शब्द भी ना बोल पाऊँ, लेकिन प्रभु की दया में जो अनुग्रह उससे हम पाया है और पा रहे हैं, हम चाहते हैं वो आप भी अपने जीवनों में पाए। आपके जीवन के दुख, तकलीफ, बीमारी, कर्ज, प्रश्नों को लेकर और आप विजयी होकर निकलो। आमेन। हाथों को उठाए और कहे, मेरे हर दुख और तकलीफ में विजय मेरा है, मैं जयवंत होकर बाहर आऊंगा, मैं हार के लिए चुना नहीं गया, मैं प्रभु के द्वारा सामर्थ को पाया हुआ प्रभु का बेटा हूँ, बेटी हूँ और मैं विजय होकर निकलूँगा, निकलूँगी। आमेन। आप और मैं विजय को पाए उसके लिए जरूरी है प्यारो, हम प्रभु जो कहता है वो सीखे और उसके अनुसार पर्टिकुलर हमारे जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वो आपका कर्जा हो, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे आपके शादी के प्रश्न हो, चाहे आपके बच्चों के प्रश्न हो, जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या में प्रभु जैसे चाहता है वैसे आप आगे बढ़ोगे तो 100% आप विजय को देखोगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एन मौके पर आप क्या करते हो, एन मौके पर आप क्या सोचते हो, एन मौके पर आपका फेथ कैसा है, एन मौके पर आप क्या चीज़ अपने जीवन में अलाउ करते हो, एन मौके पर आपके डिसीजन कैसे होते हैं, क्या जो करना चाहिए वो आप करते हो या नहीं करते, ये सब बातें एन मौके पर बहुत मायने रखती है। आपने बड़े बड़े जहाज देखे होंगे, पीछे छोटी सी पतवार होती है, वो पतवार आपके डिसीजंस है प्यारो, आपका सोचना है, वो आपका बोलना है। आप जैसा बोलोगे, सोचोगे, करोगे, आपकी एन मौके पर लिए गए एक एक स्टेप डिसाइड करेंगे कल को आप जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने आपके लिए रखी है वो देखोगे या नहीं। आपका एक गलत मोड आपको उस आशीषों से दूर ले जा सकता है जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है दुख और तकलीफ में विजय पाने के लिए हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं ये वचन में जाऊँ, ये जो बहुत ही अद्भुत सुपर नेचुरल घटना मैं बोलूँगा, मेरी बेटी की डेथ और उसके लिए उसको लेकर स्वीकारना हमारे लिए बहुत कठिन है, कठिन था, लेकिन प्रभु से जस्ट हमने एक ही बात मांगी, प्रभु आप हमें बता दो, रीज़न बता दो, आप हमें रीज़न बता लोगे हम खड़े होकर आगे बढ़ जाएंगे प्रभु। और मुझे पता नहीं चल रहा था, मैं दुआ में था, दिन और रात हम प्रभु के चरणों में बैठे थे, रोते थे, अनुग्रह मांगते थे, प्रभु एटलीस्ट आप हमें रीज़न बता दीजिए। प्रभु ने उसका कुछ आउंस रिवील किया और वो ही इतना महिमावंत है
कि प्रभु की दया से आज मैं खड़ा हूँ। और वो अंश कुछ शेयर करके फिर हम वचन में जाना चाहते हैं। जो बेटी प्रभु ने हमें दी थी 9 महीने के बाद, बस 8-10 दिन बाकी रहे थे डिलीवरी के, और 8-10 दिन पहले हम चेकिंग के लिए गए, चेकअप के लिए गए, और डॉक्टर ने देखकर बताया कि हार्ट बीट्स नहीं मिल रही है बेटी की, बच्चे की, और फिर सोनोग्राफी करी गई और सोनोग्राफी में कोई मूवमेंट नहीं थी, और उन्होंने बताया बच्चा जीवित नहीं है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थे। हम वहाँ से डॉक्टर को बताया हमें घर जाना है, घर आकर हमने दुआ करी, प्रभु से अनुग्रह मांगा, वापिस गए, वापिस टेस्ट किया गया, वही स्टेटमेंट, और आखिर में शाम को डॉक्टर ने बताया कि अगर ज़्यादा समय वेट करी तो मुक्ति के लिए खतरा है, और हमें डिसीजन लेना पड़ा। और वही दिन बेटी की दफन विधि रात को हमने की। लेकिन ये सारे समय में जो बातें प्रभु ने रिवील करी, अंश, कुछ अंश बताया, वो अंश मैं आपको बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो सुपरनेचुरल घटना, कई बातें प्रभु ने बताई, पर्पस क्या थे। बहुत ही पेनफुल ये घटना थी, बहुत ही दर्दनाक, अभी भी स्ट्रगल चालू है, लेकिन उसके पीछे प्रभु की जो योजनाएं थी वो इतनी महान है, इतनी बड़ी है, उसे आम आदमी समझ नहीं सकते। जब बच्ची को हमने हाथ में लिया, एक ही स्टेटमेंट सबका था, ये आपकी बच्ची लग ही नहीं रही। इतना तेज, इतना ब्राइटनेस उसके फेस पर थी, जस्ट लग रहा था कि एंजल है, दूत है, और कोई डेडनेस की, डेथ की कोई निशानी नहीं थी, एक सिंगल साइन नहीं थी उसके फेस पर। इतना समय बच्चा जीवित ना हो तो स्किन नीली पड़ने लगती है, कुछ ना कुछ डेथ की, मृत्यु की निशानियां आ जाती है, कोई निशानी नहीं थी। जैसे लग रहा था अभी रोएगी, अभी चिल्लाएगी, उसकी स्किन भी ऐसी थी। और जब बच्ची को हाथ में लिया, सब यही बात बोल रहे थे, ये एक अलग बेटी, एक अलग है बच्चा। उसका कारण ये था, जब से बच्ची की आशीष प्रभु ने दी, तब से प्रेगनेंसी के टाइम तक पूरा टाइम उसको वचनों से प्रभु ने पोसा था, प्रभु ने खुद उसका पोषण किया था। एक नोटबुक बनाकर मुक्ति वचनों से उसको हर रोज पोषण देती रही, प्रभु ये तेरा वचन इसके जीवन में पूरा हो, ये तेरा वचन इस जीवन में पूरा हो, और एक एक बातों के लिए दुआ होती थी, प्रभु इसके हाथ तेरी महिमा करें, और प्रभु इसका जीवन तेरी महिमा का कारण बने। और एवरी टाइम मुक्ति कह रही थी कि प्रभु मुझे बोलने के लिए फोर्स करते थे, तू बोल, इसकी एक उंगली भी तेरी नहीं है, ये मेरी है, ये मेरा बच्चा है। और पेन के साथ मुक्ति कहती, प्रभु ये मेरा बच्चा नहीं है, प्रभु तेरा है। और जब हमने उसको हाथ में लिया, हमें लगा ये इस पृथ्वी के लिए बनी ही नहीं थी, इसका हेतु, इसका उद्देश्य कुछ अलग ही था, और वो प्रभु ने पूरा किया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के दास पास्टर हितेश भाई ने गवाही शेयर करी, और बहुत ही उस समय भी प्रोत्साहन मिला। डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन साहब, आप जानते हो उनको, जीसस कॉल्स ने, आज उनके बेटे पॉल दिनाकरन, उनकी फैमिली आज प्रभु की सेवा कर रही है देश विदेश में। और हमें जानकर आश्चर्य हुआ जब हमने गवाही को सुना, उनका सबसे पहला बेटा बस ऐसे ही उसकी डेथ हो गई थी। और डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन, उनका खुद का वीडियो मैंने जब देखा, वो बता रहे थे कि वो समय मैं टूट गया था, मैं, मेरा परिवार, हम सब टूट गए थे। इवन वो इतने टूट गए थे कि वो अपने बच्चे की फ्यूनरल में भी नहीं गए, उनके परिवार ने उसको दफनाया, कहाँ दफनाया वो बोल रहे थे मुझे भी पता नहीं है। लेकिन वो समय बहुत पेनफुल था, दर्दनाक था। और उसके करीबन थोड़े समय बाद प्रभु ने उनको दूसरा बेटा दिया, जो अभी उनका बेटा है पॉल दिनाकरन साहब, जो अभी सेवा कर रहे हैं। और जब वो पॉल दिनाकरन साहब 12th में थे, 12th खत्म किया, उसके बाद वो एक कन्फ्यूज़न में थे कि वो आगे जाकर क्या करें,
कोई बोल रहा था सीए करवाओ, कोई बोल रहा था बीएससी करवाओ, और उनके दादा ने, डीजीएस दिनाकरन साहब के दादा ने बोला, सबको तू पूछ रहा है, तूने प्रभु से पूछा? बोल डीजीएस दिनाकरन साहब ने कहा, मैंने प्रभु से नहीं पूछा। और वो फिर दुआ के लिए बैठे, और जब दुआ कर रहे थे, प्रभु ने उनके दूत को भेजा प्रार्थना का जवाब लेकर, और वो दूत उनके रूम में आया। पॉल दिनाकरन को क्या करना है, उसके लिए प्रभु की क्या योजना है, उसका जवाब लेकर। और वो दूत जब आया, उसका पहला वर्ड था डैडी, पापा। और ये डीजीएस दिनाकरन एकदम से चौंक गई, ये दूत मुझे पापा करके क्यों पुकार रहा है। उन्होंने जब अपना मुंह ऊंचा करके देखा वो दूत की ओर, वो और कोई नहीं था, उनका फर्स्ट सन जिसकी डेथ हो गई थी। हालेलुया। प्रभु की योजनाएं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की हाई होती है। पास रितेश भाई ने जब ये गवाही शेयर करी, वो हमारे लिए बहुत बड़े उत्तेजन का कारण थी। आप में से कई लोगों ने दुआ करी, हम आप सभी के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और उसके कारण ही हम आज खड़े, और हमारे हर एक पास्टर्स के लिए और एचओपी फैमिली के लिए जिन्होंने हमारे लिए दुआ करी, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो दूत आया, उनके खुद के बेटे को डीजीएस दिनाकरन साहब देख रहे थे कि वो मैसेज लेकर आया है, उनको कह रहा है डैडी करके। और फिर वो दूत ने कहा, मेरा भाई पॉल दिनाकरन, उसने कहा मेरा भाई पॉल दिनाकरन, जिसके लिए आप अभी मांग रहे, वो क्या करे, कौन सी पढ़ाई आगे करे, उसे और कुछ नहीं करवाना है, उसे एमबीए करवाओ, वो एमबीए करेगा, उसके बाद पीएचडी करेगा, वो डॉक्टर बनकर प्रभु उसे अद्भुत ज्ञान से, विजडम से भरेगा, और बहुत ऊंचाइयों पर उठाकर उसे प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये उनका पहला बेटा जो एक्सपायर्ड हो गया था, वो ही दूत बनकर कह रहा था। और डीजीएस दिनाकरन साहब बोल रहे थे, ये कोई माने या ना माने, लेकिन मैंने पहली चीज मेरी नज़र से देखा, और दूसरी चीज वो जो दूत बोल कर गया था, आज वो पूरी दुनिया देख रही है। पॉल दिनाकरन साहब को प्रभु ने एमबीए करवाया, बाद में डॉक्टरेट किया, उन्हें पीएचडी किया, और आज बहुत ऊंचाइयों पर प्रभु ने उनको उठाया है, और उनकी महिमा के लिए प्रभु ने इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी बेटी जब हाथ में लिया, तभी हमें दिखा ये इस दुनिया के लिए नहीं थी, प्रभु का एंजल थी, और प्रभु ने हायर कॉलिंग के लिए उसे अपने पास बुला लिया है, और उसके लिए हम खुश है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन ऐसे समयों में प्यारो, अगर आपने सही रीति से दुख और तकलीफ के समय में उसे टैकल नहीं किया, संभाला नहीं, उसमें से बाहर आने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो हो सकता है प्यारो आप दुख से, तकलीफ से, अपने प्रश्नों से, कर्जों से, बीमारी से बाहर आने के बजाय उसमें डूब सकते हो। आपको कुछ करना पड़ेगा। बैठे बैठे मैं और आप कुछ पा नहीं सकते, अब हमें यहाँ से आगे जाना है। मेरे लिए एक जर्नी है, आपके लिए एक जर्नी है। आपकी जो भी समस्या हो, आपकी जो भी तकलीफ हो, आपकी जो भी दुख हो, आपको आपके हाथ में वहीं पर बैठा रहना है, मेरे हाथ में मुझे यहीं पर बैठा रहना है, कि जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने आने वाले दिनों के लिए रखे, उसकी ओर मुझे और मुक्ति को बढ़ना है, उसकी ओर आपको बढ़ना है, वो मेरे और आपके हाथ में प्यारो। और यूं ही सिर्फ रोते रोने धोने से काम नहीं होने वाला प्यारो। आप अपने कर्जे के लिए सिर्फ रोते रहो, कितना कर्जा, कब बाहर आऊंगा, कहाँ से भी, कुछ नहीं होने वाला। अब अपनी बीमारी के लिए रोते रहो, इतनी बड़ी बीमारी, डॉक्टर ने ये बोल दिया, डॉक्टर ने वो बोल दिया, प्यारो रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे और आपको कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर, आत्मिक लेवल पर कुछ करना पड़ेगा, वो समस्या, तकलीफ, दुख से बाहर आकर जो ब्लेसिंग प्रभु ने हमारे लिए रखे उसको पाने के लिए। आमेन। मुझे और मुक्ति को कुछ करना है, और आपको भी कुछ करना है, और हम आपके साथ आगे बढ़कर इस जर्नी को ले जाकर उस आशीषों तक पहुंचकर
आपके जीवन में गवाहियों को देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में गवाहियों को देखना चाहते हैं, हम हमारे जीवन में गवाही खड़ी होते देखेंगे और साथ में आपके जीवन में भी गवाही खड़ी होती हुई देखेंगे। आमेन। लेकिन उसके लिए हमें आपको कुछ करना पड़ेगा प्यारो। सिर्फ रोने धोने पुकारने से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। बोले आत्मिक लेवल पर मुझे कुछ करना है। आज शायद आप गरीबी से जूझ रहे हो, आपको महीना खत्म होता है, आपको चिंता होती है कहाँ से करूँ क्या करूँ, ये जो भी बिल देने, ये लाना वो लाना कहाँ से दो। अगर उससे आपको बाहर आना है, सिर्फ रोने धोने से, इमोशनल होने से कुछ नहीं होने वाला। मैं और आप सिर्फ रोते धोते रहे कुछ नहीं होगा प्यारो। मुझे और आपको कुछ करना पड़ेगा। आपका करियर आपको बनाना है, कुछ आज करना पड़ेगा। मुझे और मुक्ति को इस परिस्थिति से बाहर आकर बड़ी ब्लेसिंग को आने वाले दिनों में देखना है। हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ करना है। मुक्ति को कुछ करना है, आपको कुछ करना है प्यारो। यहीं ये मुकाम पर बैठे रह नहीं सकते। आमेन। हाथ उठाए और कहिए, मैं जिस संकट में हूँ, मैं जिस तकलीफ में हूँ, मैं जो समस्या से जूझ रहा हूं, मैं वहां बैठा नहीं रहूंगा, मैं वहां बैठी नहीं रहूंगी, मैं आगे बढ़ूंगा, आत्मिक युद्ध लड़ूंगा और मेरे विजय को, मेरी आशीष को, मेरे छुटकारे को, डबल ब्लेसिंग को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं पाऊंगा। आमेन। हालेलुया। मुझे और आपको प्यारों कुछ करना है जो हम पाना चाहते हैं। उसके लिए एक वचन को हम पढ़ें, यशाया 60वां अध्याय और पहली आयत। यशाया उसका 60वां अध्याय और पहली आयत। मैं चाहूंगा सब निकालें और सब हम साथ में पढ़ें। सब निकाले और सब साथ में पढ़े। जिनके पास बाइबल नहीं है, या स्क्रीन पर आप यह देख सकते हो, आई हम मिलकर पढ़े। प्रभु का वचन कहता है, बोले उठ, बाजू वाले को हिलाए, बोले उठ, अभी नहीं उठना है, ये आत्मिक रीति से उठने की बात है। बोले उठ, अब अपना नाम लीजिए और कहिए क्रिस्टोफर उठ। आपको मेरा नाम नहीं लेना है, मैं तो कई बार कह चुका हूं अपने आप को कि आपको अपने आप को कहना है। जब मैं मेरा नाम लेता हूं, आप अपना खुद का नाम रखिए और याद मेरे पीछे पीछे बोले क्रिस्टोफर उठ। फिर से बोले क्रिस्टोफर उठ, क्रिस्टोफर उठ। किसको उठना है, किसको उठना है? ये दुआ हम करते वो गलत है, प्रभु तू मुझे उठा। अरे प्रभु तो कब का उठाने के लिए तैयार है, प्रभु ने तो कब का आपके लिए कुछ अच्छा रख छोड़ा है, प्रभु ने तो सब कुछ प्लान कर कर योजना कर कर रखा है, बस आपको और मुझे उठना है। लेकिन हम है कि हम बैठे ही रहते हैं। ओ मेरी तकलीफ, ओ मेरी समस्या, ओ मेरा दुख, मैं बेचारा, मैं बिचारी। अरे आप बिचारे बिचारी नहीं हो, आपको उठना है प्यारो। बोलिए मुझे उठना है, मैं उठूंगा। आमेन। आपकी जो भी समस्या है प्यारो, आपको उससे उठना ही उठना है और उस आशीष को पाना है जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। लेकिन उठना किससे है? बोले मुझे है, मुझे उठना पड़ेगा। ताकत किसे लगानी पड़ेगी? आपको। लेकिन वो ताकत आपकी नहीं होगी, पवित्र आत्मा की होगी। लेकिन आपको मन बनाना होगा। बोले मुझे मन बनाना है, मानसिक रीति से तैयार करना है अपने आप को। आज हम आपको तैयार कर रहे हैं। प्रभु ने हमें बर्डन दिया, बोध दिया है। हम पॉसिबल होगा शाम तक हम आपको डिक्लेयर करेंगे 3 डेज फास्टिंग के लिए, और एवरी डे इवनिंग हम सब प्रभु के दास बात करके प्लान करेंगे। हम आपके साथ रहेंगे,
वचनों से आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे उठना है और ये साल में हमें हमारे आशीषों को पाना ही पाना है। आप जहाँ पर रुके हो, जिस किसी परिस्थिति में रुके हो, जो कोई तकलीफ में रुके हो, जो कोई अंधेरे में है, जो कोई कर्जे में है, बीमारी में, प्रश्नों में, आपको उठना है। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये 3 दिन हम फास्टिंग करेंगे। मैं अपने लिए भी मांगूंगा, आपके लिए भी मांगूंगा, एज ए पास्टर हम आपके लिए भी मांगेंगे और 3 दिन प्रभु वचनों को भेजेंगे। हम फास्टिंग के साथ दुआ करेंगे और उस आशीषों को हम जरूर पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हो। अगर कोई रोक सकता है तो आप खुद हो। हमें हमारी निराशा को झाड़ देना है। हमें हमारी फीलिंग्स के अनुसार नहीं चलना है। जो पेन, दर्द, बिचारा, बिचारी, मेरी ये समस्या, मेरी वो समस्या, ये तकलीफ, वो बस उसमें ही गोल गोल घूमते रहे तो वो मुकाम पर कब पहुंचेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तय किया है। और इसीलिए अपने आप को उठाना है प्यार, और ये 3 दिन हमारे उठने के दिन है। आमेन। हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रभु जहाँ कहीं आप हो आपको भी उठाए और उस आशीषों को आप पाओ जो आशीषों के लिए प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु ने आपको दुख और तकलीफ और पीड़ा में पड़े रहने के लिए नहीं चुना है। अगर ऐसा होता तो यीशु आते ही नहीं स्वर्ग छोड़कर। उन्होंने आपकी तकलीफ ली ताकि आपकी तकलीफों से आपको आज़ाद किया जाए। आपके रोग के लिए उन्होंने कोड़े खाए, आपकी शांति के लिए उन्होंने ताड़ना सही। अशांति आपका हिस्सा नहीं है, रोग बीमारी आपका हिस्सा नहीं है। वो स्वर्ग का धन दौलत छोड़कर इस संसार में आया, गरीब बना ताकि आप धनी हो, आप ब्लेस हो, आप आशीषित हो। आशीष आपका हिस्सा है, ब्लेसिंग आपके हिस्से है। रोना धोना आपका हिस्सा नहीं है, आपका हिस्सा आनंद है प्यारो। लेकिन उसको पाने के लिए मुझे और आपको जहां है वहां से उठना पड़ेगा। बोले मैं उठूंगा, मैं उठूंगी। आमीन। और हम पास्टर्स बात करके डिक्लेयर करेंगे आज शाम तक। उन्होंने अगुवाई दी, 3 दिन हम फास्टिंग के साथ यहां पर एवरी डे इवनिंग मिलेंगे। वचनों से आपको बात की जाएगी, सिखाया जाएगा। आपको उस वचनों को लेकर फिर से दुआ में जाना है, उपवास के साथ बैठना है। अपने प्रश्नों का लिस्ट बनाओ और कहो ये तकलीफ, ये समस्या, वो समस्या, इन सब से मुझे 2023 में बाहर आना है, उठना है। आमेन। किसे उठना है? कोई है यहाँ पर जो उठना चाहता है? मैं और मुक्ति उठना चाहते हैं। हम रोने धोने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रभु के अभिषेक दास, दासी, अभिषेक बेटे बेटी है और हम उठना चाहते हैं। आप में से कोई है जो उठना चाहता है? कोई है? ये 3 दिन आपको कुछ करना पड़ेगा। ये 3 दिन और आने वाले दिनों में आपको कुछ करना पड़ेगा प्यारो। उठने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, यूं ही उठा नहीं जाता। उठने के लिए मन चाहिए, इच्छा चाहिए, मुझे उठना है। बस आप उठिए, प्रभु आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आमेन। प्रभु का वचन कहता है उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। शर्मिंदगी आपका हिस्सा नहीं है, यहोवा का तेज आपका हिस्सा है प्यारो। यहोवा का तेज और प्रकाश आपका हिस्सा है। हाथों को उठाइए और कहिए अंधेरा, शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है, यहोवा का तेज मेरा हिस्सा है और मैं अपने मुंह पर वो तेज को चमकने दूंगा। उठकर, आमीन, हालेलुया। ये 3 दिन हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो प्रभु ने हमारे दिल में रखी है, जो वचन दिए है। मुझे लगता है सब वचन आज पॉसिबल नहीं है आपके आगे रख पाए, लेकिन ये 3 दिन में और प्रभु ने अनुग्रह दिया तो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये आपके उठने का समय बन जाएगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ 3 दिन फास्टिंग रखें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ आ जाना। जो टाइम हम बताते वो टाइम आ जाना,
कि वो समय जो वचन होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा और प्रभु का आत्मा काम करेगा। हम हमारी रीति से सोच कर नहीं डिसीजन लेते प्यारो, जब प्रभु कुछ कहता है तब हम स्टेप आउट करते हैं, तब तक हम वेट करते हैं, और जब प्रभु ने कहा है प्रभु कुछ करने वाला है, प्रभु कुछ आपके जीवन में करने वाला है, प्रभु आपकी जॉब में कुछ करने वाला है, प्रभु आपके बिजनेस में कुछ करने वाला है, प्रभु आपके परिवारों में कुछ करने वाला है, कुछ अद्भुत द्वार आपके लिए खुलने वाले प्यारो, कुछ सुपरनेचुरल, कुछ अलौकिक होने जा रहा है प्यारो, जो हमारी सोच से परे है प्यारो, जो हमारी सोच से परे है, और शैतान चाहता है वो आप ना पाओ, और इसलिए शैतान चाहता है आप बैठे रहो, इसलिए वो निराशा लाएगा, ना सोचना चाहिए वो ख्याल लाएगा, आपको नेगेटिव बनाएगा, आपको प्रभु से दूर ले जाने का प्रयास करेगा, कि वो जानते हैं आपकी भलाई प्रभु के पास है, वो जानता है प्रभु आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है, और इसलिए वो चाहेगा किसी भी तरह उससे वो आपको दूर ले जाए। लेकिन शैतान आपके जीवन में सफल नहीं होगा, उसकी कोई योजना आपके जीवन में सफल नहीं होगी, जो ब्लेसिंग आपके लिए प्रभु ने रखा है वो कोई 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 दुष्टात्माएं छीन नहीं सकती, सिर्फ एक ही है जो वो ब्लेसिंग को रोक सकता है, वो आप खुद हो, मैं खुद हूँ, और इसलिए मुझे और आपको उठना है प्यारो, और जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने हमारे लिए रखे है उसको अचीव करना है, उसको पाना है। हाथों को उठाए और कहिए मैं उठूंगा, मैं उठूंगी, प्रकाशमान होऊंगा, और जो आशीष प्रभु ने मेरे लिए रखी है वो आशीषों को मैं ये साल में पाऊंगा। आमेन, आमेन। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे प्यारो। निर्गमन उसका 14वां अध्याय निकाले, निर्गमन उसका 14वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, निर्गमन 14 और 15वीं आयत। ओके, आइए सब साथ मिलकर पढ़े। प्रभु का वचन कहता है निर्गमन 14 और 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है, क्यों रो रहा है, तू क्यों चिल्ला रहा है, ये चिल्लाने से, रोने से, पुकारने से कुछ नहीं होने वाला। प्रभु से क्या कहता है, इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कुछ करें। ये प्रभु का आपके लिए वचन है प्यारो। प्रभु हाउस ऑफ प्रेयर के कलीसिया को और मुझे कहता है, तू उन्हें आज्ञा दे यहां से कुछ करे, तू उन्हें आज्ञा दे यहाँ पड़े ना रहे, तू उन्हें आज्ञा दे यहाँ रुके ना रहे। प्रभु चाहता है आपके लिए आप यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ पड़े रहना ये आपका डेस्टिनी मुकाम नहीं है, ये स्टेशन आपका फाइनल स्टेशन नहीं है, आपके लिए जो डेस्टिनी मुकाम प्रभु ने तय किया है वो कुछ और है। कुछ करिए, कुछ करिए, आगे बढ़िए। प्रभु अपने दास मूसा को कहता है, क्यों तू मेरी दोहाई दे रहा है, ये रोने धोने चिल्लाने का पुकारने का टाइम नहीं है, ये कुछ करने का टाइम है, ये आगे बढ़ने का टाइम है, स्टेप आउट करने का टाइम है, एक कदम बढ़ाने का टाइम है। आपके हाथ में है प्यारो, कुछ करनी या नहीं करनी। मैं नहीं जानता आप कितने सीरियस हो, मैं तो बहुत सीरियस हूँ, मैं और हम कुछ करने के लिए तैयार है, और हम चाहते आप भी कुछ करो। मैं और हम नहीं चाहते आप जहाँ हो जिस सिचुएशन में वहीं पर रहो, मैं और हम चाहते प्यारो आपके लिए दुआ करते और अनुग्रह मांगते प्रभु, आप हमारा मुकुट हो, आपकी खुशी हमें खुश करती है, आपका दुख हमें दुखी करता है। भेड़ को जब कुछ पीड़ा होती है तो उसका जो चरवाहा होता है, पालक जो है, उसको भी उतनी ही पीड़ा होती है। हम नहीं चाहते आप जहाँ हो वहाँ पर हो रहो। आप में से कुछ लोग आकर जब कहते ये समस्या वो समस्या,
हम चाहते हैं आप भी ब्लेस हो, आप भी आशीषित हो। आमेन, हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मुझे कुछ करनी है, मुझे कुछ करनी है। कुछ करना मतलब आगे बढ़ना। अब प्रभु जब इन्हें कह रहा है कुछ करो, तब मैं और आप जानते आगे रास्ता नहीं था, एक्सप्रेस हाईवे नहीं था, वहां पर वहां समुंदर था। और प्रभु कहता है कुछ करो। आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा? आपको आगे बड़ी समस्या दिख रही है? रास्ते बंद दिख रहे हैं? पीछे फिरौन की सेना दिख रही है? कोई परवाह नहीं। आपको क्या दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। आपको कुछ दिख भी रहा है वो मायने नहीं रखता। मायने की चीज रखती है आप कुछ करोगे या नहीं। महत्व एक ही चीज का है, आप आगे बढ़ोगे या नहीं। कि आज आपने मन बना लिया है मैं कुछ करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी, तो ये तीन दिन सिंसियरली से फॉलो करना, गंभीरता से उपवास के साथ प्रभु के चरणों में जाना। जो बातें प्रभु अपने दासों के दिल में रखें, जो वचन आपके लिए दिए जाए, उसे पकड़कर दुआ करना, मांगना। प्रभु अनुग्रह देगा तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तीन दिन मिनिमम हम बैठने वाले प्रभु के चरणों में, और ये हमारी कुछ होगी, ये हमारी कुछ होगी। जब तक आप आत्मिक लेवल पर कुछ नहीं करोगे, तब तक आप बैठे ही रहोगे। जब तक आप ताकत नहीं लगाओगे, जब आप उठोगे नहीं, जब तक आप आत्मिक रीति से कुछ प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे प्रयत्न ये तीन दिन में और आने वाले दिनों में हम करने वाले, जो आपके लिए बड़े द्वारों को खोलेंगे। आमेन। जब प्रभु ये मूसा को कह रहा है कि इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कुछ करे, उसका मतलब है आगे प्रभु ने कुछ योजना रखी है। और ये वचन हमारी आवश्यक प्रेयर कलिशा के लिए, आपके लिए। प्रभु जब आपको कह रहा है कुछ कर, तो उसने आपके लिए आगे कुछ बहुत ही अद्भुत रखा है, मेरे लिए आगे कुछ बहुत ही अद्भुत रखा है, और मैं और आप उसके अद्भुत कामों के गवाह होंगे। जब इन लोगों ने प्रभु की इस आज्ञा को फॉलो किया, मूसा इतना अच्छा प्रभु का दास था कि वो कोई क्वेश्चन नहीं करता था। प्रभु ये समुद्र है ना, तू बोल रहा है कुछ कर, कुछ कर, कहाँ कुछ कर, कुछ दिख ही नहीं रहा प्रभु। में से कुछ लोग सोचेंगे प्रभु इतनी बड़ी समस्या, अब इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर के रिपोर्ट ये बोल रहे हैं, मेरे परिवार में देख रहा हूं तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, ये सब होने के बावजूद प्रभु जब कहता है आपको पढ़ना है, प्रभु जब कहता है आपको कुछ करनी है। आमेन। ये मूसा ने जब प्रभु ने कहा कि कुछ कर 16वीं आयत में, और प्रभु का वचन कहता है तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र पे बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा, और तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। आमेन। ये साल आप रास्ते खुलते हुए देखोगे, पानी आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा, कोई समस्या आपका ब्लेसिंग नहीं रोक पाएगी, कोई समस्या मेरा ब्लेसिंग नहीं रोक पाएगी। मैं और आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले जब हम कुछ करेंगे, बैठे रहे दोहाई देते रहे ओ बापा वो मोटू दो, कुछ नहीं होने वाला। रोते रहे कुछ नहीं होने वाला। बोले हमें उठना है और कुछ करनी है। ये आज आपके लिए वचन है। हाथों को उठाए और कहे प्रभु से, प्रभु मुझे उठना है और मुझे कुछ करनी है। प्रभु मुझे उठना है, मैं मेरे प्रश्नों में, मैं मेरे दुख में, मैं मेरी तकलीफ में, मैं मेरे पापों में पड़ा रहना नहीं चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ प्रभु। ये अगर आप गंभीरता से लोगे प्यारो, ये साल आपके जीवन में बड़ी टेस्टिमनी को होते हुए, ग्रहण करते हुए, पाते हुए आप देखोगे। आमेन, आमेन। प्यारो जब आप कुछ करोगे तब कुछ होगा, जब तक कुछ नहीं करोगे तब कुछ नहीं होगा। बोले जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा तब तक
कुछ नहीं होगा, आपके हाथ में है। कुछ करके कुछ पाना या कुछ भी नहीं करके कुछ नहीं पाना, आपके हाथ में। प्यारो प्यारो, मूसा को प्रभु ने कहा लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, और एक लाठी के जरिए प्रभु समुद्र के दो भाग करता है। लाठी क्या है? लाठी प्रभु का सामर्थ्य बताती है। प्रभु ने बोला जब मूसा को पसंद किया, ये लाठी के जरिए मैं चिन्ह और चमत्कार को बताऊंगा, ये लाठी के द्वारा मैं बड़े कामों को बताकर वो राजा जिसकी गर्दन अक्कड़ है उसे मैं तोड़ूंगा। और वो लाठी प्रभु का वचन है, वो लाठी परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य है जो आपके जीवन में काम करेगी। आमेन। प्यारो, हमें उठना है और प्रकाशमान होना है। पहला समूएल, उसका 30वां अध्याय, और 6वीं आयत, पहला समूएल 30:6। पहले तीसरी आयत हम पढ़ते हैं। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। जब दाऊद अपने घर जाता है, अपने नगर जाता है, वो देखता है नगर जला दिया है शत्रुओं के द्वारा, स्त्रियों को बेटे बेटियों सभी को बंदी बनाकर ले जाया गया है। चौथी आयत, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति न रहे। ये दुख जब दाऊद ने झेला तब वो रोने लगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को गवाया, उसने अपने बच्चों को गवाया, वो शत्रु सब कुछ उठा कर ले गया, सब कुछ ले गया। और दाऊद का ये स्टेप था, पहला स्टेप या तो रिएक्शन, वो चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रहे। वो रोते रहे, इतना रोए कि उनकी पूरी शक्ति चली गई, पूरी ताकत चली गई। छठवीं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। रोए, इतना रोए दाऊद और उसके साथ के लोग कि उनकी पूरी ताकत खर्च कर दी रोने धोने में। उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया, परिस्थिति और बिगड़ी। अब तो लोग भी उसे पत्थर से मारने को तैयार थे। हम मनुष्य, हम दुखी होते, हम रोबोट नहीं है। दुख होगा, आपके प्रश्न, आपके दुख, आपकी तकलीफ में आप पीड़ा झेलते होंगे, लेकिन बस उसमें ही रहना, उसमें ही ताकत को खर्च करते रहना कुछ नहीं लाएगा, कुछ नहीं लाएगा। प्यारो, दाऊद ने पूरी ताकत किसके पीछे खर्च कर दी? रोने धोने में, कुछ नहीं पाया। उल्टा परिस्थिति बिगड़ी, इतनी बिगड़ी कि अब तो लोग भी उससे पत्थर से मारने को तैयार थे। दाऊद कौन था? प्रभु का अभिषेक, जिसको प्रभु ने अभिषेक किया था। प्रभु का अभिषेक अगर सिर्फ रोता धोता रहे, वो हार के अलावा कुछ नहीं देखता। आपको भी प्रभु के द्वारा, प्रभु के आत्मा के द्वारा कई बार स्पर्श मिला, अभिषेक किया गया, लेकिन आप तब तक कुछ नहीं पाओगे जब तक आप सिर्फ रोते धोते रहते हो, जब तक आप अपनी स्टेमिना, अपनी शक्ति आत्मिक बातों में नहीं खर्च करते तब तक कुछ नहीं पाते। जब तक आप अपनी ताकत दुआ में, उपवास में, वचन का दावा करके मांगने में खर्च नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं पाओगे। जब तक आप अपनी ताकत सिर्फ रोने धोने चिल्लाने में, चिंता करने क्या होगा, कैसे होगा, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी दुख, बस इसके पीछे अपना समय शक्ति खर्च करते रहे, आप अपना समय जाहिर कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। दाऊद को कुछ नहीं मिला,
उसने अपनी शक्ति ताकत रोने धोने में खर्च करी, कुछ नहीं मिला। उसना उल्टा परिस्थिति इतनी बिगड़ी, अब तो लोग उसे मारने को तैयार थे। हमारे हाथ में हमारी शक्ति और हमारा समय, हमें कहाँ खर्च करना है। और हमने तय किया है हम फालतू बातों में जो मुझे कुछ फायदा नहीं देगी उसमें मैं मेरी ताकत जाहिर नहीं करूँगा, मैं आत्मिक बातों में अपनी ताकत लगाऊंगा। हमें आपको अपनी ताकत को आत्मिक बातों में लगानी है, दुआ में लगानी है, वचन का दावा करने में, वचन पढ़ने में, उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठने में लगानी है। वो ही कुछ बदलाव ला सकता है, वरना कुछ नहीं होगा। ये दाऊद प्रभु का अभिषेक जिसको प्रभु ने एनॉइंट किया था और उसको वचन दिए गए थे, मेरे अभिषेक के लिए ये वचन शत्रु से तंग करने नहीं पाएगा। अब उसके हाथ में शत्रु तंग करके गया तो उसको कुछ करना या बस वो स्वीकार करके रोते धोते रहना। आपके हाथों में प्यारो, आपको क्या करना क्या नहीं करना है। दाऊद ने जब सिर्फ चिल्लाया और रोया, कुछ नहीं पाया, उल्टा परिस्थिति बिगड़ी। और यहां लिखा है वो लोग बहुत शोकित हो गए और भी दर्द में डूबे। जब आप इमोशनली काम लेते हो, भावनात्मक रीति से काम लेते हो, सिर्फ इमोशनल होना गलत बात नहीं है प्यारो। दुख हो सबको होता है, तकलीफ सबको होती है, अपने प्रश्नों तकलीफों में जब कोई पड़ता है, लेकिन सिर्फ उसमें ही आप डूबे रहे प्यारो, वो आपको और ज्यादा हार्म करेगा, वो आपको तोड़ देगा, वो आपको कुछ भी पाने नहीं देगा। ये लोग और भी दुखी हो गए। दुख को पकड़े रखना और गहरे दुख में जाने के बराबर है। अगर आपने दुख को, तकलीफ को, दर्द को पकड़े रखा, वो आपको खींच कर और गहरे गड्ढे में ले जाएगा। इसी कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसी कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते, क्योंकि वो दुख को पकड़े रहे, हो मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरी समस्या, ये हो गया, वो हो गया, दुख को छोड़ते नहीं है। और इसी कारण वो दुख उनको खींच कर बड़े दुख में, बड़े शौक में ले जाता है। जो उसके ऊपर विजय पाकर कहते हैं, प्रभु तू मेरा हाथ पकड़, तू मुझे उठा, मैं उठना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, प्रभु उनको वो गड्ढे में नहीं गिरने देता, उनको बहाल लाता है, विजयवंत बनाता है। आमीन। गवाहियों गवाहियों को देखना है प्यारो। दाऊद ने जो गलती करी फर्स्ट टाइम, अभिषिक्त होने के बावजूद कुछ नहीं देखा, जब तक सिर्फ रोता धोता रहा, जब तक सिर्फ इमोशनल बना रहा, अपने दुख में बैठा रहा, तब तक कुछ नहीं पाया। उल्टा परिस्थिति इतनी बिगड़ी, लोग अब उसको मारने को तैयार है। पत्थर से अभिषिक को, एक प्रभु के अभिषिक दास को लोग पत्थर से मारने के लिए तैयार है। जस्ट एक गलती, वो दुख में बैठा रहा, रोता रहा। आप अभिषिक हो प्यारो, लेकिन आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ये गलती हमें नहीं करनी है। बोले मैं ये गलती नहीं करूंगा, सिर्फ इमोशनल होकर, सिर्फ भावनाओं में बहकर दुख को पकड़ रख के मैं और दुख में डूबना नहीं चाहता। आमीन, आमीन। जब ये सब हुआ, दाऊद ने देखा कि लोग अब मुझे पथराव करेंगे, मारेंगे, रोना चिल्लाना कुछ काम में नहीं आया, इतनी शक्ति खर्च कर दी रोने के पीछे, फिर भी वो काम में नहीं आई, परिस्थिति और बिगड़ी, तब वो राइट स्टेप लेता है। और छठवीं याद कांत भाग कहता है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। कोई परिस्थिति आपका हियाव तोड़ने न पाए। आपने अपनी जॉब के लिए कई प्रयत्न किए हो, अभी तक नहीं मिली, कोई बात नहीं, वो आपका हियाव तोड़ ना पाए। कि शादी के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, कि बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, कर्जे से बाहर आने के लिए आपने प्रयत्न करे, फिर भी परिणाम नहीं आया, फिर से हियाव बांधे, हिम्मत पकड़िए, बल प्राप्त करे। कहाँ से बल प्राप्त करेंगे? लोगों से? ओ प्लीज मुझे आश्वासन दीजिए,
लोग आपको नहीं दे पाएंगे आश्वासन। दो पल के लिए अच्छा लगेगा, ओ अच्छा बोल कर गया, बाद में वही दुख कंधे पर और सिर पर चढ़ जाएगा कि आप अलाउ करते हो उसे। लेकिन हमें कहना है, बोलिए मेरे पीछे, जैसे दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, मैं भी हियाव बांधूंगा। आमीन। फिर दाऊद ने प्रभु से पूछा, आठवीं आयत में लिखा, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, प्रभु मैं आगे बढ़ू पीछा करूं? प्रभु ने कहा पीछा कर। पहला हियाव बांधा मतलब खड़ा हुआ, प्रभु को पूछा, और फिर रिजल्ट आया। 17वीं आयत 30वां अध्याय और 17वीं आयत। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति, अभिषिक्त व्यक्ति, खाली जब इमोशनल हो रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, तब उसकी परिस्थिति बिगड़ी, और इतनी बिगड़ी कि उसके साथ के लोग उसे मारने को तैयार हो गए। लेकिन वो व्यक्ति ने जब देखा, अभिषिक दाऊद ने, कि मेरे रोने धोने, इमोशनल होने से, चिंता में, दुख में डूबे रहने से, उसको पकड़ रखने से कुछ नहीं होने वाला, उसने खड़ा हुआ, हियाव बांधा, प्रभु के पास जाकर पूछा, और जब वो आगे बढ़ा कुछ करी, तब क्या रिजल्ट आया? यहाँ पर लिखा है दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। दो दिन लगातार शत्रुओं को मारा, मारा, मारा। हालेलुया। रिजल्ट क्या आया? 18वीं याद, और जो कुछ हमाले की ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को और सब कुछ जो वो ले गए थे छुड़ा लिया। जो आपने गवाया है वो आपको पाना है, तो आपको कुछ करनी पड़ेगी, आपको खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। इवन दो आप अभिषिक्त हो, लेकिन सिर्फ आप इमोशनल बनकर दुख में डूबे रहे, कुछ नहीं पाओगे। मुझे और आपको कुछ करना पड़ेगा। दाऊद ने जैसे खड़े होकर हियाव बांधकर प्रभु की इच्छा को पूछकर लड़ा, बोलिए लड़ा, लड़ना पड़ेगा। भले मैं और आप अभिषिक्त है, लेकिन जब तक उठते नहीं, कुछ नहीं करते और लड़ते नहीं, तब तक कुछ नहीं पाते हैं। आपको अपने प्रश्नों से लड़ना पड़ेगा प्यारों, आपको अपनी समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। आपके सामने जो पहाड़ है यूं ही नहीं हट जाएंगे, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। दाऊद कितना लड़ा? दो दिन तक लगातार लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, जब तक विजय को नहीं देखा, जब तक जो उसका छीन गया था वो उसने पा नहीं लिया, तब तक वो लड़ता रहा। जब तक आप अपने ब्लेसिंग को ना देखो, तब तक आपको लड़ना है। जब तक आप अपने ब्लेसिंग को, छुटकारे को, चंगाई को ना देखो, तब तक मुझे और आपको लड़ना है। और जब आप लड़ोगे, जो कुछ गवाया है, तो जो कुछ नहीं मिला वो आप पाओगे। आमेन। स्थानों पर खड़े हो जाए प्यारों, बाइबल को बंद कर दीजिए, और आज प्रभु से हम कहना चाहते हैं, प्रभु मुझे उठना है, मुझे कुछ करनी है और मुझे लड़ना है। अब मैं से मैं नहीं जानता कितने लोग इन बातों को लेकर सीरियस हो, लेकिन अगर ये आपका, आपकी सीरियसनेस है, गंभीरता है प्यारो, आपके लिए अद्भुत आशीषित रहने वाले ये तीन दिन। आप बहुत कुछ पाने वाले हो, लूटने वाले हो। आपने वो पाना है जो आज तक आपने नहीं पाया प्यारो, लेकिन उसके लिए आपको वो करना है जो प्रभु चाहता है, वो नहीं करना जो आपकी फीलिंग्स कह रही है, जो आपका मन कह रहा है। ओ मैं बेचारा, ओ मैं बेचारी, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, ये दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। या आपके हाथ में बस रोते धोते रहो, या उठो, कुछ करो, लड़ो और अपनी ब्लेसिंग को पालो। इवन दो आप अभिषिक्त हो, मैं अभिषिक्त हूं, लेकिन जब तक हम उठते नहीं, कुछ नहीं करते, लड़ते नहीं, हम हमारे आशीषों को नहीं पा सकते प्यारो। बोलिए हाथों को उठाकर, मैं बैठा नहीं रहूंगा। आंखों को बंद करे प्यारो, ये समय दुआ में जाने का समय है।
प्रार्थना करने का समय है, अपने आप को तैयार करने का समय है प्यारो। क्या आप वो लोग बनना चाहते हो जो जहां है वहीं वहीं बैठे रहोगे 2023 में, जो परिस्थिति है बस उसमें ही रोते धोते रहोगे, या आपको आगे बढ़ना है, उन आशीषों को देखना है जो प्रभु ने आपके लिए रख छोड़ी है प्यारो। अगर आपको वो आशीषों को पाना है, यूं ही बैठे रहने से, परिस्थिति में रोने धोने से वो आशीषों को आप नहीं पा सकोगे प्यारो, मुझे और आपको आत्मिक लेवल पर कुछ करना पड़ेगा, आत्मिक लेवल पर अपनी ताकत को लगाना पड़ेगा। दाऊद ने ताकत लगाई लेकिन रोने धोने में चिल्लाने में कुछ नहीं पाया। आप अपनी ताकत को, समय को, शक्ति को गलत जगह खर्च कर रहे हो प्यारो, सिर्फ रोने धोने में, अपने पर तरस खाने में आप कुछ नहीं पाओगे। भले ही आप अभिषेक को पा लिया, भले ही आपने स्पर्श को पा लिया, लेकिन आप अभिषेक होकर अगर आज उठ गए और कुछ करी और लड़े, ये 2023 में आप बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे प्यारो। समुद्र को हटते हुए देखोगे, राह को बनते हुए देखोगे, लेकिन उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, कहना पड़ेगा प्रभु मुझे उठा, प्रभु मुझे आज से उठना है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं समाधान नहीं करूंगा, जो परिस्थिति में मैं हूं वहां मैं संतोष नहीं मानूंगा, वो मेरा स्टेशन नहीं है, वो परिस्थिति मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कहिए प्रभु मेरी आशीषों को मैं पाऊंगा, मेरी आशीषें जो तूने मेरे लिए रखी है वो मेरा हिस्सा है। ये कर्जा, ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये समस्या, ये रोना धोना मेरा हिस्सा नहीं है, मैं प्रभु का अभिषेक बेटा हूं, मैं प्रभु का अभिषेक बेटी हूं, मैं उठूंगा, मैं कुछ करूंगा और मैं लड़ूंगा, मैं उठूंगा, मैं कुछ करूंगा और मैं लड़ूंगा। आपकी ताकत यहां पर लगानी है, उठना है, कुछ करना है और लड़ना है। बोलिए मैं मेरी ताकत, मेरा समय उठने के लिए लगाऊंगा। आपको कल से उठने के लिए समय देना पड़ेगा प्यारो, उठना यूं ही नहीं हो जाएगा, आपको अपने आप को प्रभु के चरणों में बिठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, जल्दी उठकर प्रभु के चरणों में बैठकर उपवास कर अन्न और समय को त्याग कर जो दुनिया में देते हो छोड़कर प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा। उठना बस कहने से उठ नहीं जाते, उठने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्यारो। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं कल से कुछ स्टेप लेना चाहता हूँ, कल से कुछ स्टेप लेना चाहती हो, मुझे उठना इसलिए, मुझे परिवर्तन देखना इसलिए। अगर आपके बच्चों में परिवर्तन नहीं है, आपको उठना पड़ेगा, माँ बाप को उठना पड़ेगा प्यारो। अगर आप हाथ पर हाथ देकर बैठे रहे, ओ मेरा बच्चा सुधरता नहीं, ओ मेरे बच्चे के जीवन में ये तकलीफ, मेरे बच्चे का स्वभाव ऐसा है, कुछ नहीं होने वाला, आपको उठना पड़ेगा। कहिए प्रभु, प्रभु मैं कल से उठना चाहता हूँ, प्रभु मैं अब से उठना चाहता हूँ, मैं कुछ करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, जहाँ हूँ वहाँ रुकना नहीं चाहता, जो परिस्थिति में हूँ वहाँ पड़ा नहीं रहना चाहता। दाऊद कुछ समय तक वो परिस्थिति में पड़ा रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ। अभिषेक होने के बावजूद आपको फायदा देखना है या नहीं देखना, आपको प्रभु का काम देखना है या नहीं देखना, आपको बड़ी गवाहियां देखनी है या नहीं देखनी, आपने अभी तक जो पाए नहीं पाए वो देखना है, पाना या नहीं पाना, या जहां वहीं पर पड़े रहना है, बस रोने धोते रहना है, बेचारा मैं, बिचारी मैं। अगर कुछ पाना है तो उठिए, अगर कुछ पाना है तो कुछ करिए, अगर कुछ पाना है तो लड़िए। ये आपके लिए प्रभु का वचन है। मूसा को प्रभु ने कहा, आज्ञा दे इज़राइलियों को कुछ करे, प्रभु का वचन है। उसको प्रेर की कलिसिया के लिए, यहां पर खड़े हर एक के लिए, मेरे लिए वो आज्ञा देता है कुछ करिए, वो आपको आज्ञा दे रहा है कुछ करिए, आगे बढ़िए, खड़े हो जाइए, लड़िए अपने आशीषों के लिए, लड़िए अपने बच्चों के लिए, लड़िए अपनी बीमारियों के सामने, लड़िए अपने करियर के लिए, लड़िए अपनी जॉब के लिए,
लड़ी अपने विश्वास के लिए, लड़ी अपने आत्मिक जीवन के लिए, लड़ी अपने पाप के लिए। कोई शत्रु आपके ऊपर जय नहीं पाएगा, कोई शत्रु आपको हरा नहीं पाएगा। बस आपको खड़ा होना है, बस आपको खड़ा होना है। जो भी गाना प्रभु देता है, हम एक आध स्टैंजा गाकर प्रभु को महिमा देकर दुआ में जाएंगे। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम उठे, बोले उठूंगा, कुछ करूंगा और लड़कर उन आशीषों को मैं पाऊंगा जो अभी मेरे पास नहीं है। दुआ करिए, ये समय हम आपको देता है। आपको कहना है प्यारो, आपको कहना है प्रभु से, प्रभु से कहो, कहो, बातें करो, बातें करो, बातें करो, बातें करो। आप नॉर्मल लाइफ जीने के लिए पसंद नहीं किए गए। आप दुख, दर्द, तकलीफ, प्रश्नों में उलझे रहने के लिए पसंद नहीं किए गए। आप तो प्रभु के गवाह हो प्यारो, और आपके जीवन में गवाही ही होनी चाहिए, महिमा के कारण होने चाहिए। और उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, कुछ करनी पड़ेगी। कहिए, कहिए प्यारो, कहिए, कहिए प्यारो, कहिए प्रभु से, प्रभु जहां हूं वहीं वहीं नहीं रहूंगा। बढ़ना है, ऊंचा उठना है, ब्लेसिंग को देखना है, जो नहीं पाया वो पाना है। गवाहियों को मैं देखूंगा, मेरा लाइफ गवाह बनेगा, तेरी महिमा का कारण बनेगा। कहिए, 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 मांगे, 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 मांगे प्यारो। कितने लोग यहाँ पर है जो उठना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ पर है जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ देखने के लिए। कितने लोग यहाँ पर है जो आज कहना चाहते हैं, प्रभु जहाँ पड़ा हूँ वहाँ पड़ा नहीं रहूंगा, राउत के समान सिर्फ रोता धोता चिल्लाता नहीं रहूंगा। उसने कुछ नहीं पाता दाऊद, अगर सिर्फ रोता धोता चिल्लाता रहता, आपके दुख को पकड़ रखकर, आपकी चिंताओं को पकड़ रखकर, आपकी समस्याओं को पकड़ कर रोने से आप और डूबोगे, शैतान आपको ले डूबेगा अगर आपने उसको पकड़ कर रखा। कहीं आज से मेरे दुख को, तकलीफ को, समस्या को, मेरे चिंता को मैं पकड़ कर नहीं रखूंगा, मैं बल पाकर उठूंगा, कुछ करूंगा, लड़ूंगा। मैं डूबना नहीं चाहता, मैं डूबना नहीं चाहता। कितने लोग यहां डूबना चाहते हो, डूबना चाहते हो तो मौन खड़े रहिए, लेकिन जितने लोग खड़े होना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, गवाहियों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, आज उठने का समय है प्यारो, आज उठने का समय है, आज कुछ करने का समय है, आज कुछ करने का समय है। हाथ पर हाथ देकर बैठे रहकर कुछ नहीं पाओगे, भले आप अभिषिक्त भी क्यों ना हो। दाऊद अभिषेक था लेकिन कुछ नहीं पाया, जब तक रोता धोता रहा, इमोशंस में डूबा रहा, दुख में डूबा रहा। कहिए मैं अभिषेक हूं और इसलिए उठूंगा, कुछ करूंगा, लड़ूंगा और हर ब्लेसिंग को मैं पाऊंगा। रिबाना मारा लाबा शोखोरी मैंने में से रिप्रेने मलोलो सेखेरियो थरोलोबो। प्रभु आपको खड़ा करेगा प्यारो, जस्ट आपको कह देना है प्रभु मुझे खड़ा होना है, जस्ट आपको कह देना है प्रभु मुझे खड़ा होना है, प्रभु आपको खड़ा करेगा। ये तीन दिन आपके लिए आशीष के आशीष समय हो जाएगा। हम आपको प्रभु जो वचन देगा आपको सिखा देंगे। ये तीन दिन गंवाना नहीं, अगर उठना है तो कुछ करना पड़ेगा। बैठे बैठे बोलो मैं उठना चाहता हूँ, कुछ नहीं होगा, उठने के लिए कुछ करना है। बोले मुझे उठने के लिए कुछ करना है, ताकत लगानी है। दाऊद ने हियाव बांधा, हिम्मत करी आज प्यार उठने की। बस हिम्मत दिखा दीजिए एक बार उठने की, प्रभु आपको उठाकर वो पहाड़ पर चढ़ाएगा जहाँ आप खुद नहीं चढ़ सकते। बस आज हिम्मत दिखा दीजिए, बस आज हिम्मत दिखा दीजिए। ये मत सोचे कि कुछ नहीं हो सकता, ये मत सोचिए तो बहुत सालों का पुराना प्रश्न है, अभी तक कुछ नहीं होगा। दाऊद ने हिम्मत दिखाई खड़े होने की, आज हिम्मत दिखा दीजिए। कहिए प्रभु मैं आज हिम्मत कर रहा हूँ खड़े होने की, बस प्रभु मुझे तेरा साथ चाहिए, बस प्रभु मुझे तेरा साथ चाहिए, मैं हिम्मत जुटा कर खड़ा हो जाना चाहता हूँ प्रभु। और मैं वो पहाड़ पर चढ़ूंगा जिस पहाड़ पर मैं खुद नहीं चढ़ सकता। प्रभु आपके पैरों को हिरणियों के समान बनाएंगे। अब अपने पैरों की ओर देखते हो, अपनी ताकत की ओर देखते हो, आपको लगता है वो इतने कमजोर पैर, मुझ में कोई ताकत नहीं रही लड़ने की। अब बोल रहे हो लड़िए, उठिए। अब में से कुछ लोग बोलेंगे मुझ में कोई ताकत नहीं है,
मैं थक चुका हूं लड़ लड़ कर, दुआ करके, उपवास करके। अब हिरनियों को देखो, पैर कितने पतले होते हैं। वही हिरनियों को प्रभु पर्वतों के ऊपर चढ़ाता है। कि कमजोर पैरों में भी प्रभु ने इतनी ताकत डाली है कि आपको ताकत नहीं देगा, कि आपको बल नहीं देगा, वो आपकी कमजोरी में अपनी सामर्थ को देगा। बस हिम्मत दिखा दीजिए आज खड़े होने की। हियाव बांध लो, लड़ो, भले आज तक लड़ लड़ कर थक गए हो, फिर से खड़े हो, लड़ना जारी रखो। हम हथियार डालने के लिए पसंद किए गए लोग नहीं है, अब अभिषिक्त है प्रभु के, प्रभु के अभिषिक्त है। उठो, कुछ करो, लड़ो। Yeah.
से ज्यादा आपको कुछ जरूरत नहीं है खड़े होने के लिए। अब बांधे गए दृढ़ होते जाएंगे, भय न खाएंगे। ताली बजाकर ऊंची आवाज में नाचते कूदते हुए अब बांधेंगे होते जाएंगे यीशु के सामने नाम में। अब भय न खाएंगे यीशु संग हमारे प्रभु। आज हमारी दुआ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आज हम उठ खड़े हो, हमें उठना है। आप हमारे साथ ही हो, आप बल देने के लिए, विजय देने के लिए, उस मुकाम तक, उस आशीष तक ले जाने के लिए तैयार हो। और हम वहां जाने के लिए आज से फिर से शुरुआत करते हैं प्रभु। और ये 2023 हम सब के जीवन में बड़ी गवाहियों को हम देखेंगे, अद्भुत कामों को देखेंगे। और प्रभु हमें जहाँ ताकत नहीं लगानी वहाँ नहीं लगाएंगे, जहाँ ताकत लगानी उन आत्मिक बाबतों में हमारी ताकत खर्च करेंगे, ताकि सही में हम परिणामों को देखें प्रभु। हम वो नहीं करेंगे जो शैतान करवाना चाहता है, हम वहाँ ताकत नहीं लगाएंगे जहाँ शैतान चाहता है कि हम लगाए, हम वहाँ ताकत लगाएंगे जहाँ शैतान नहीं चाहता, वहाँ हमारी ब्लेसिंग है। प्रभु अनुग्रह दीजिए आपकी इन बेटे बेटियों को आज से उठ खड़े होने के, इन 3 दिनों में उपवास में जाने की, प्रार्थना करने की। प्रभु आपसे हियाव बांध कर बल पाकर विजय की ओर बढ़ने के लिए कुछ शुरू करने की ताकत दीजिए। उनके जो भी प्रश्न है, उनकी जो भी तकलीफ है, उनकी जो भी समस्या है, उनकी जो भी बीमारी है, जो भी उनके सामने पहाड़ है, ओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वे अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को आने वाले दिनों में देखे, बड़े विजयों को वो पाए, ओ बड़ी राह को खुलती हुए देखे। जो ब्लेसिंग आज तक नहीं पाए वो आने वाले दिनों में वो पाए, लेकिन आज से वे खड़े हो जाए प्रभु, आज से हम खड़े हो जाए। अपने मूसा से का आज्ञा दे कि कुछ करे, बैठे ना रहे, रोते धोते ना रहे। जो आज्ञा हमें मिली है उससे हम फॉलो करें, आज से कुछ करे प्रभु, आगे बढ़े, हाथों को उठाए और अनुग्रह को पाले प्रभु से। कहे पवित्र आत्मा आप मुझे छुइए और अनुग्रह दीजिए कि मैं ये 3 दिन उठू, कुछ करूं और लड़ू जैसे आप चाहते हो वैसे। वहां ताकत न लगाऊ जहां शैतान चाहता है, लेकिन वो करूंगा जो आप चाहते हो। प्रभु आप योजना दीजिए, आप आयोजन दीजिए, आप अगुवाई दीजिए, हम तैयार है प्रभु, हम तैयार है। पाखरू पवित्र आत्मा हम तैयार है प्रभु, मैं तैयार हूँ, हम तैयार है प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई दीजिए, योजना दीजिए प्रभु, ताकि जैसे आप चाहते हो वैसे हम हमारी समस्याओं से लड़े और विजयों को देखें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्लीज बैठ जाए। जितने लोग बीमार हैं वो लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, जितने लोग बीमार हैं उतने लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कोई भी समस्या में आप हो,
आप कोई जरूरत के साथ यहाँ पर आए हो, बाकी के लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे। प्यारो, कोई भी समस्या आपकी है, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हो, आप हमसे मिलना और फिर मिलकर आप जाना। आपके जीवन में कोई भी प्रश्न है, समस्या है, प्रभु यीशु ने कहा मेरे नाम से आप जो भी मांगोगे वो आपके लिए किया जाएगा। आप आंखें बंद करके कहिए, यीशु मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरी ये तकलीफ है, मेरी समस्या को आप दूर करो। आप एक छोटी दुआ प्रभु यीशु से आज कर रहे हो और याद रखो वो सुन रहा है, वो हमारे बीच में है, वो सुन रहा है आपकी दुआ को। आपकी कोई भी समस्या है, आप प्रभु के चरणों में बैठ कर या तो खड़े होकर उससे बताए, कहिए प्रभु से, प्रभु मेरी ये तकलीफ, मेरी ये समस्या प्रभु आप ले लो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, यहाँ पर खड़े बैठे कोई भी दुखी व्यक्ति है, कोई भी तकलीफ में, कोई भी निराशा में, कोई भी बीमार है, कोई भी जीवन में दुष्ट आत्माओं के कोई भी काम है, शैतान के उन हर एक कामों के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम अधिकार लेते हैं और शैतान के हर एक कामों को इन जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बांधते हैं, फोड़ डालते हैं, निष्फल करते हैं। बीमारियां इनको छोड़कर दूर हो जाए, कर्जा इनको छोड़कर दूर हो जाए, शैतान के काम इनके जीवन से निष्फल हो जाए, जादू टोना दोरा धागा हर एक उसकी ताकत इनके जीवनों से फूट जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन लोगों को हम फ्री करते, फ्री, फ्री इन चीजों से, फ्री इन चीजों से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान के हर एक छुपे काम को हम तोड़ डालते इनके जीवन से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु इनकी कोई भी जरूरत है, स्वर्ग को खोलकर इनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। ओ यीशु मसीह के नाम में उनकी जॉब में हम ब्लेसिंग बोलते हैं, उनके बिजनेस में हम ब्लेसिंग बोलते हैं। कर्ज लाने वाली दुष्ट आत्माएं तोड़ो, कर्ज के बंधन को हम तोड़ते हैं, हर एक श्राप को हम तोड़ते हैं इन जीवनों से। यीशु मसीह के समृद्धि नाम में हर एक झगड़ा करवाने वाली दुष्ट आत्माएं परिवारों से दूर हो जाए, दूर हो जाए। यीशु मसीह के समृद्धि नाम में झगड़ा करवाने वाली दुष्ट आत्माएं परिवारों को छोड़े। यीशु मसीह के समृद्धि नाम में प्रभु की शांति इस परिवारों में आए, प्रभु की आशीष इस परिवारों में आए। वे बरकत को देखें, वे आशीषों को देखें, मिरेक्युलसली चमत्कारिक रीति से उनके बैंक में पैसे आए। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए हम फाइनेंस की ब्लेसिंग घोषित करते हैं। ओ इन चीजों से कहीं पर से उनके लिए व्यवस्था ना हो पाए, सो फिर भी स्वर्ग से उनके लिए पैसों की व्यवस्था हो यीशु मसीह के नाम में, और वे गवाहियों के साथ अकाउंट के स्टेटमेंट के साथ आए। ओ यीशु मसीह के नाम में आज उनके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग स्वर्ग से हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जिनकी लोन पास नहीं हो रही, उनकी लोन पास हो यीशु मसीह के नाम में। जिनके खुद के घर नहीं, घर की ब्लेसिंग को वो स्वीकार है, रिसीव इट, स्वीकार इन जीसस माइटी नेम। रास्ते खुले घर की ब्लेसिंग के लिए, कोई भी इनकी जरूरत की कोई भी चीजें है, ओ यीशु मसीह के नाम में उनकी जरूरतें पूरी करी जाए, जरूरतें पूरी करी जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किसी को भी शैतान गलत दिशा में ले जा रहा है, छुपकर किसी के भी जीवन में शैतान ने काम किया है, ओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शैतान के उन अटैक्स को हम निष्फल करते हैं इन जीवनों से। उसकी योजनाएं फेल हो जाए। प्रभु की योजना हमारी भेड़ों के जीवन में परिपूर्ण हो जाए। स्टडी में हम ब्लेसिंग को जाहिर करते हैं, स्टडी में हम तरक्की को जाहिर करते हैं, स्वर्गीय विस्डम ज्ञान हमारे बच्चे पाए यीशु मसीह के नाम में। फेलियर उनका हिस्सा नहीं है, निष्फलताओं का हिस्सा नहीं है, तरक्की को पाए, चाहियों पर जाए।
दारू गुटखा व्यसन के बंधनों को हम तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, फ्री इन जीसस नेम, फ्री हो जाए, फ्री फ्री फ्री। कहीं भी दुष्टात्मा के घर किसी भी घर में हो, घरों को हम ढाल देते हैं, तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, के ऊपर प्रभु की आग जाहिर करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसको घिराते 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 हैं यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा इनको छूने न पाए। प्रभु आपके बच्चों का अपनी आंख की पुतली की समान रक्षा कीजिए, वे आपके बाड़े में बने रहे कि छत्र छाया से वो दूर न जाए। प्रभु आपके दूत उनकी सुरक्षा करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु वो देखे जो कभी उन्होंने सोचा नहीं, पाया नहीं, पाने की ख्वाब भी नहीं देख सकते, वो आशीषों को वो देखे और वो आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु वो आपकी महिमा के लिए हो। आत्मिक जीवनों को रिस्टोर किया जाए जो स्ट्रगल करे अपने आत्मिक जीवन में। एक समय उन्होंने देखा प्रार्थना में बहुत बड़ा ऊंचा ऊंचाइयों पर वो गए, लेकिन आज उनकी दुआ ठंडी पड़ गई है, उपवास करना बंद करा है या तो कम हो गया है, बाइबल पढ़ना सिर्फ नाम का पढ़ रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उनके आत्मिक जीवन रिस्टोर हो, रिस्टोर हो, पुनस्थापित हो जाए, यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाए। आत्मिक जीवन को हम रिस्टोर करते हैं यीशु मसीह के नाम में। दुआ में रिस्टोर हो जाए, उपवास में रिस्टोर हो जाए, विश्वास में रिस्टोर हो जाए, खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में आत्मिक जीवन में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया से कमिटेड आपके दास दासी खड़े करे, जो एक सैनिक की तरह हो, जो घायल भी हो जाए लेकिन खड़ा होकर लड़ता रहे। हम आपके लिए सेना मांगते हैं यहां से, जो लड़े आपके लिए और शैतान से लड़कर उन लोग जो दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, बीमारियों में, बंधनों में है कि पास जाकर उनको छुड़ाए। हम यीशु मसीह के नाम में मांगते प्रभु ऐसे सैनिक यहां से खड़े करिए। जो कभी पीछे ना हटे, जो आपको कभी शर्मिंदगी आपको महसूस ना करवाए, लेकिन जिनके ऊपर आपको गर्व हो, जो कई जगह जाकर लोग जो दुख दर्द तकलीफ में उनको खड़े कर शैतान से लड़कर, लोग ऐसे जवान बेटे बेटियां हमारे कलीसिया से खड़े करें प्यारे पिता, खड़े करें डैडी। ओ होली स्पिरिट, आप उनके जीवन में बीज बो दीजिए आज, बीज बो दीजिए आज, आपके लिए खड़े होने का बीज बो दीजिए, आपके लिए ऐसे सोल्जर खड़ा रहने का, खड़ा होने का बीज बो दीजिए। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे हो प्यारों, इसकी उपस्थिति में छुटकारा है, इसकी उपस्थिति में शांति और आनंद है। भरिए भरिए, भरने दीजिए अपने आप को, रिसीव करते रहिए, रिसीव करते रहे। हम क्या बोलते नहीं बोलते, आप सब कुछ भूल कर चाहो तो हाथ उठाकर, चाहो तो घुटनों पर आकर रिसीव करे। भर रहा है पवित्र आत्मा आपको, भर रहा है पवित्र आत्मा आपको, भर रहे प्यारो, छू रहे आपको, भर रहे भर रहे भर रहे भर रहे भर रहे भर रहे भर रहे। रिबाना मारा लाबा शोरियो खोरी में दे में सेरियो रिखारी नाना लाबा से खेरियो थोरो लो पोरी बाना मासे। वो फ्लो पवित्र आत्मा का फ्लो चालू है प्यारो, नदी बह रही है, नदी बह रही है, पवित्र आत्मा की नदी बह रही है। तृप्त होने दीजिए अपने आप को, ये बल आपको काम आएगा प्यारो,
ये आपकी प्यास पवित्र आत्मा की नदी से जो आप बुझाओगे वो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी। रिसीव करें, रिसीव 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 हराना मशखरो लबोरेबे रिप्रेना मोशेरियो खरो लबोरेबे बरे 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 छुए पवित्र आत्मा आपको, छुए पवित्र आत्मा आपको, फ्लो 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 खारी ना ना मशेरियो खरो लबोरे बे ना मशेरिया ना 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 मारा ला बारा बा खारी अंतरो लबोरे बे ना मशेरियो खरो लबोरे बे रिप्रे नेम्रले बे शेरियो नो 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 ना मारा बा केरियो खरो लबोरे बे बरे 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 अपने आप को रिसीव करे रिसीव करे रिसीव करे रिसीव करे। ये बड़ा बदलाव ला देगी आपके जीवन में ये सामर्थ। हो बह रही है अभी भी बह रही है, बह रही है, ग्रहण करे, हाथों को उठाए, अच्छे रिसीवर बन जाए, अच्छे स्वीकारकर्ता बन जाए, ग्रहण करे उस सामर्थ को, ग्रहण करे पवित्र आत्मा से जो भी वो आपके जीवन में बो रहा है, कुछ बो रहे हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में, कुछ कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में, रिसीव करिए, कहिए मैं रिसीव करता हूँ पवित्र आत्मा, मैं ग्रहण करता हूँ जो भी आप मेरे जीवन में अभी कर रहे हैं उससे, मैं ग्रहण करता हूँ जो भी आप मेरे जीवन में कर रहे हैं, कहिए मैं स्वीकार करता हूँ जो आप मेरे जीवन में रख रहे हो। रिबाना मारा ला बाखोर लो बोरे बेरियो खोरो लो बोरी मैंने में सेरियो खोरो लो बोरे बे रिबारी ने में से आग 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 पवित्र आत्मा की आग पवित्र आत्मा की सबर 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 खारी माना मसेरियो करो लो इबाना मारा लाबारियो करो। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए प्यारो, फिर कुछ मिनट समय यहाँ से बिताओ, उससे पहले भरने दीजिए अपने आप को, भरने दीजिए अपने आप को। हाथों को उठाए और कहिए पवित्र आत्मा मुझे छूए और भरिए। Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Swarg ko to khol kar Prabhu, barish pe, barish pe. Swarg ko to khol kar Yeshu, barish pe pavitra atma ki shabad ki naye abhishek ki barish 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 sirf chand bund nahi prabhu barish ori bari maine mein se yo karo lo bari pe na masara la bara ba karo lo bari maine mein se barish 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 trupt ho jaye hum trupt ho jaye pure bhar jaye pure bhar jaye pure bhar jaye swarg ko to khol kar yeshu barish pe बारिश पे स्वर्ग को तो खोल कर यीशु पवित्र आत्मा की बारिश पे पवित्र आत्मा की सावर पे पवित्र आत्मा का अभिषेक पे स्वर्ग को तो खोल कर हो कोई खाली डर है कोई खाली डर है कोई खाली डर है बारी मैंने में सेरियो स्वर्ग को तो खोल दे यीशु बारिश पे बारिश 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 और पैरों दो वो सेरियो खोल लो बोरे में पवित्र आत्मा भर दीजिए पवित्र आत्मा भर दीजिए पवित्र आत्मा पूरा हम पर आपसे भर जाए
कि नदी में हम पूरे डूब जाए। होली स्पिरिट बैप्टिज्म इन जीसस नेम, स्वर्ग को दुखो दे यीशु, बारिश पे बारिश पे बारिश पे। अब जरूरत है पवित्र आत्मा के, अब हमारे सहायक हो, अब हमारे सहायक हो, बारिश पे स्वर्ग को तू खोल कर यीशु, बारिश स्वीकारे। कहिए यीशु मैं स्वीकारता हूँ, आत्मा की सामर्थ को मैं स्वीकारता हूँ, आत्मा की सामर्थ को मैं स्वीकारता हूँ। चले पवित्र आत्मा बारिश में, स्वर को तू खोल कर प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी विजिट करने जा रहे हैं प्यारों, वो आपसे मिलने जा रहे हैं ये 3 दिन में। अमूल्य अवसर है, मिस नहीं करना, वो रेडी है, वो तैयार है हमें मिलने के लिए, हमें भरने के लिए, हमें स्ट्रेंथन करने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें उठाने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है 3 दिन। आखिरी दुआ पे जाए और रितेश भाई अब आखिरी दुआ पे अगुवाई देंगे। आए प्यारो हम धन्यवाद करें पवित्र आत्मा से। जो कुछ भी हमने पाया है वो सनातन पिता है, वो देने वाला परमेश्वर है। हरेक उन आशीषों के लिए धन्यवाद करें जो आज आपने पाई है, जो आपने मांगा है। वचन कहता है कि जो कुछ भी आप विश्वास से प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वो आपको मिल चुका है। और धन्यवाद करें वो आपको मिल चुका है। जो कुछ भी आपने मांगा है वो आप देखोगे यीशु मसीह नाज़रेती के नाम में। जब अंतिम प्रार्थना हो रही थी मैंने एक पोर्टल को खुलते हुए यहां पर देखा है। स्वर्ग की आशीषें, आत्मिक आशीषें आपने बहुतायत से आज पाई है। जो भी शारीरिक भौतिक आशीषों के लिए भी आपने प्रार्थना की है, जो खुदावंत की ओर से आशीष आती है वो प्योर है, वो सिद्ध है, और वो सिद्ध आशीषों को आपने पाया है। धन्यवाद करें। कहे प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु। जो हमने मांगा आपने हमें दिया, वो हो चुका है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह नाज़रेती के नाम में हम कलीसिया आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, और प्रभु हमारी धन्यवाद की भेंटों को, अर्पणों को हम लाते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज तक हमारे जीवनों में जो आपने किया है। आज तेरे वचन के द्वारा, तेरे दास के द्वारा जो बातें आपने हमसे की है हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन हम में बोया गया है प्रभु, आने वाले समयों में हम उसका 100 गुना प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह नाज़रेती के नाम में। हाँ परमेश्वर पिता, आज पवित्र आत्मा
आपने हमें आपकी आत्मिकता से, आपकी आत्मा की वर्षा से भरा है, हमें छुआ है, हमें नया किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग पहली बार आए हैं, पवित्र आत्मा आपका कार्य उनके हृदयों में जो आरंभ हुआ है वो और बढ़ता जाए, वो और बढ़ता जाए, वो और बढ़ता जाए, और वो आपके राज्य के वारिस हो यीशु मसीह नाज़रेत के नाम में। परमेश्वर पिता, यहाँ यदि किसी ने जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है पर उनका नाम लेके उनके लिए प्रार्थनाएं की है, उनके लिए प्रार्थनाएं की है, आज यीशु मसीह नाज़रेत के नाम में वो हर एक प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुके हैं यीशु मसीह नाज़रेत के नाम में। रिपा खाता राला राबर रिखोलो रोशिके। यदि आप में से किसी ने कमलेश के लिए प्रार्थना की है, या यहाँ पर कोई कमलेश मौजूद है बाद में हमें मिलिएगा, यदि कमलेश के लिए आपने प्रार्थना की है या फिर कमलेश खुद यहाँ पर मौजूद है, आप मुझे मिलिएगा, हमें मिलिएगा। रिपा खाता राला राबर रिखोलो रोशिके रियान राला राबा हिंदा राला राबा शिखो दोरोलो रोबो शेर जला रही शेर जला रही विशेर रिपा खतरा लारा बारी खला रशिके। धन्यवाद करे प्रभु का, धन्यवाद करे हर एक बातें जो आज हमारे जीवनों में परमेश्वर कर रहा है। मैं तीसरी बार ये प्रभु ने एक बात मुझे कही, इसलिए मुझे मैं बोलूँगा। बार बार मुझे ये याद दिलाया, मार्च के बाद ये जगह कम पड़ने वाली है। मार्च मार्च जी चर्च चर्च कमेटी, चर्च लीडर्स, पास्टर्स प्रार्थनाएं करें और व्यवस्था करना शुरू कर दे, ये जगह कम पड़ने वाली है। फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च ये जगह कम पड़ने वाली है। रि बला 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 बरी बगा तरा लारा बरी खुलो रो। फिर से जो बात प्रभु कर रहा है हमारे कलीसिया के लिए कि आप इमोशनल होके नहीं लड़ सकते, इमोशनल होकर आत्मिक हानि कभी मत उठाना, इमोशनल होकर आत्मिक हानि कभी मत उठाना। ये संसार और संसार की बातें, 70 या 80 साल यदि बल के कारण कोई 80 जिए, पर जो इटर्नल है, जो सनातन है, जो हमेशा के लिए है, जो युगानुयुग के लिए है, उनके ऊपर अपना लक्ष्य रखे, वहां पर अपनी निगाहें रखे। अब्राहम के जीवन में, प्रभु के दासों के जीवन में, जब कभी भी उन्होंने स्पिरिचुअल गाइडेंस को पाया, आत्मिक गाइडेंस को पाया, या आत्मिक एनकाउंटर को पाया, परमेश्वर के विजिटेशन को पाया, एक वर्ड आप सुनोगे कि एक वर्ड लिखा है कि अब्राहम ने अपनी आंखें ऊंची करके देखा, इसहाक ने अपनी आंखें ऊंची करके देखा। आज कलीसिया के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अपनी निगाहें, अपनी आंखें ऊंची करो और देखो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। निगाहें नीची करना मतलब पृथ्वी की ओर देखना, संबंधों की ओर देखना, इंसानों की ओर देखना, पर आत्मिक आंखें ऊंची करना, आंखों को ऊंची करना मतलब आत्मिक रीति से देखना, परमेश्वर की स्वर्गीय बातों को देखना, स्वर्गीय बातों को ढूंढना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के ऊपर अपनी निगाहें रखना। रिखा पाखा तारा ला राबा रिखोलो रबो रिबला बला बला बरी पाखा तारा ला राबा रिबला बला बला बरी पाखा तारा ला राबा रिबा खतरा लारा बारी खाला रा बारी खोलो रबो। बीते दिनों में जब मैं हर रात प्रार्थना में था, आज सुबह भी 5:30 बजे तक मैं परमेश्वर के संग समय बिता रहा था, और जो बातें परमेश्वर इन दिनों में कर रहे हैं कि इस साल 2023 के साल में दुनिया के लिए शायद वो अच्छा ना हो, नहीं रहेगा, पर जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं और अपने आप को तैयार करते रहेंगे, अपने आप को तैयार करते रहेंगे, जो परमेश्वर के खोजी होंगे, जो परमेश्वर को खोजेंगे, ये साल परमेश्वर की ओर से विजिटेशन का साल है। कई लोग प्रभु यीशु को देखेंगे, ये विजिटेशन का साल है। अपने आप को तैयार करिएगा, सिर्फ आमीन बोलने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आमीन बोलने से ये नहीं होगा, इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
एक पर्टिकुलर व्यक्ति है शायद आप सोच रहे हो कि अब मेरे जीवन में ये आशीष पर्टिकुलर अब जब भी मैं बोल रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे भी बातें करेगा। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर आशीष मैं मेरे जीवन में नहीं देख सकती या नहीं देख सकती पर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अपने आप को तैयार कर, हियाव बांधो, टाटस रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और आने वाले समयों में, आने वाले सालों में, साल में नहीं पर आने वाले कुछ सालों में यदि आप अपने आप को तैयार करते हो, परमेश्वर में बने रहते हो, दाएं या बाएं नहीं मुड़ते हो, वो आशीष आपके जीवन में आएगी 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 यीशु मसीह नाज़रेत के नाम में। परमेश्वर का आत्मा जब बात करता है क्लियर बात करता है पर उनमें से कुछ बातें हमें बोलने के लिए बोलता है और कुछ बातों को बोलने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो जिन बातों को बोलने के लिए वो कहता है उतना ही मैंने बोला है पर जिनसे जिनके विषय में परमेश्वर ने बात की है उनको परमेश्वर के आत्मा ने बोल दिया है, रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम, रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम, रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम। धन्यवाद 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 करें प्यारो, परमेश्वर के आत्मा का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, कहे प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नाज़रेत के नाम में, आमीन। आए हम परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना साथ मिलकर बोले, राज्य तथा पराक्रम तथा महिमा सर्वकार अब उस महान परमेश्वर पिता का प्रेम प्यारो, जब हम ये बोलते हैं वो प्रेम आप में आता है यदि आप रिसीव करते हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और सत्यता और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा के संग का जीवन, मतलब हम उठते हैं पवित्र आत्मा हमारे संग है, हम बैठते हैं पवित्र आत्मा हमारे संग है, हम बाहर जाते हैं पवित्र आत्मा हमारे संग है, हम अंदर आते हैं पवित्र आत्मा हमारे संग है, हमें सिर्फ उनकी प्रेजेंस का ख्याल रखना है, पवित्र आत्मा की सहभागिता, कम्युनियन विद द होली स्पिरिट, आज से लेकर हमेशा तक प्रभु यीशु के आगमन तक हम सबके साथ, इस कलीसिया के साथ, विश्व भर की कलीसियाओं के साथ और हमारे घर परिवारों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। सब साथ मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन।